विक्स 142 करोड़ लोगों की आवाज होने वाली है, तो आई थिंक फैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी टीम को चीयर करें। और विक्स ने एक बड़ा अच्छा कैंपेन बनाया जिसमें सब तरह के लोग आके इंडिया को सपोर्ट करने वाले हैं, तो आई थिंक बहुत ह्यूमन साइड दिखाई है एक इंसान की, जिससे मैं एसोसिएट होके बहुत प्राउड फील करता हूं। और बस चाहते हैं कि हमारा देश इस वर्ल्ड कप में अच्छा करे। वर्ल्ड कप से आपकी क्या उम्मीद है, टीम हाँ, आई मीन बैलेंस अच्छा है हमारी टीम का। आई फेल्ट के युजवेंद्र चहल को होना चाहिए साइड में, बिकॉज इंडिया में खेल रहे हैं तो कई बार बॉल स्पिन होता है, अदरवाइज आई थिंक इट्स गुड बैलेंस। अश्विन ने अपना सरप्राइज करके जाया वापस आया, अश्विन तो कितना इम्पोर्टेंट रहता टीम के लिए कि अश्विन को डाला गया टीम में? या थोड़ा सरप्राइजिंग था, आई फेल्ट के अदर साइड के युजवेंद्र चहल वुड हैव बीन बेटर चॉइस, बिकॉज लेग स्पिनर इज समवन जो आपको मैचेस जिता सकता है, और आई थॉट के शायद वॉशिंगटन सुंदर वो अ यंग गाय कैन ऑल्सो बैट, क्योंकि उसने ओपन भी किया था, बट एंड ऑफ द कैप्टन कोच हैव टू सी द बेस्ट फॉर्म अपना लाइन अप इन द वर्ल्ड कप। 2011 का वर्ल्ड कप खेल के अंदर इंडिया में हुआ था, लेकिन उस टाइम भी टेम्परेचर की बात में सेम था, बट इस टाइम में कुछ मैच साउथ में जहाँ गर्मी है और सीधा ठंड में लैंड करना, तो कितनी दिक्कत लग रही आपको टीम को होगी? नहीं, आई डोंट थिंक नवंबर में कोई इतनी ठंड होगी, थोड़ा बहुत वेदर चेंज होगा, बट कंडीशंस को मैटर कर सकता है, यू नो बॉल शायद गीला हो या लाइटों में शायद बहुत स्विंग हो, सो आई थिंक ऐसी कंडीशंस को काउंटर करने के लिए आई एम श्योर वी हैव द एक्सपीरियंस। इंडिया पाकिस्तान के अलावा कौन सा क्वेश्चन मैच आपको लगता है इंडिया को फेस करना पड़ेगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? सारे मैचेस क्रूशियल हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स तो लेने हैं क्वालिफाई करने सेमीफाइनल में। अगर आप 70-75% ऑफ क्रिकेट अपनी जीतोगे तभी जाके क्वालिफाई करोगे, तो आई थिंक सब बड़ी टीमों के साथ मैच इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।